उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में 26 जनवरी को हुए उपद्रव के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू परिषद जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक कैंडल मार्च निकालकर सरकार से मांग की है कि जब तक चंदन गुप्ता के हथियारों को सजा नहीं मिलेगी वो लोग उस समय तक सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहे पर कासगंज की घटना में मरे चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया था। कार्यकर्ता चंदन गुप्ता को एक शहीद का दर्जा देने की मांग दोहरा रहे थे। आज हमारे जो चंदन गुप्ता हैं हमारे भाई कासगंज से, आज उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी 26 जनवरी के प्रोग्राम में, जो कि एक तिरंगा रैली यात्रा थी। जो लोग देश के झंडे का सम्मान नहीं कर सकते उन लोगों पर देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम लोग हमारे भाई यहाँ पर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर हम सभी हिंदू भाई एकत्र हुए हैं ताकि देश में इस तरह दोबारा दंगे ना हो। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सभी लोगों से यही अपील है कि देश में शांति का माहौल बनाए रखें और कोई भी आपस में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रखें। इस दंगे में किन लोगों को दोषी मानते हो? बस जो भी दोषी है, सरकार से हमारा अनुरोध है कि उसके प्रति कार्यवाही की जाए। कुछ लोग हैं जिनके नाम है कि सरकार ने पूरी तरह से उनको घोषित नहीं किया गया कि इसके प्रति कौन अपराधी है, तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसके प्रति कार्यवाही की जाए और जो भी इसके प्रति दोषी है उनके खिलाफ सही से कड़ी कार्यवाही की जाए और साथ ही उनको फांसी भी दी जाए। किस किस का सही होगा? जैसे हमारे आपका हर्षवर्धन शर्मा, महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। ये क्या प्रोग्राम था आज? ये आपने सुना होगा, कासगंज में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी जिसमें हमारे एक वीर को तिरंगा यात्रा ले जाते वक्त गोलियों से हत्या कर दी उसकी, और दूसरा वीर हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम चंदन गुप्ता जो वहाँ शहीद हुआ उसके लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुरादाबाद थाना। किस किस का साथ रहा इस प्रोग्राम में? इसमें दो संगठन होगा साथ रहा, एक तो हम हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी, दूसरा विश्व हिंदू संगठन जिसके जिलाध्यक्ष भरत दिवाकर। किसको क्या मानते हैं आप कि इस घटना में किसका हाथ रहा है? इस घटना में उन लोगों का हाथ रहा है जो अपने देश को अपना नहीं मानते, जो जितने भी देश विरोधी लोग हैं। तिरंगा की यात्रा पे अगर आप अटैक कर रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है देश में रहने का, आपको देश से बाहर चले जाना चाहिए। और जिन्होंने गोली मारी है हमारे भाई को, वीर भाई को, उनको फांसी होनी चाहिए।